आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। दोनों राज्यों में अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें 17 लोग आंध्र और 16 तेलंगाना के थे। 2 सितंबर की दोपहर तक लगभग 432 ट्रेनें कैंसिल की गईं, साथ ही 139 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। इसी क्रम में एनडीआरएफ के डीआईजी मुसेई शहीदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति पर बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, कुछ टीमें बाहर से भी बुलाई गई हैं। हमारी 26 टीमें तैनात हैं। अब तक 5,000 लोगों को बचाया जा चुका है। लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा चुका है। कल से स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, आज स्थिति ठीक है। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चल रहा है। उसके साथ भारी वर्षा हुई है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। इसको लेकर के आंध्र प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, एनटीआर, एलुरू, गुंटूर, इसमें काफ़ी फ्लड सिचुएशंस आ गई हैं, और इसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, इसके लिए बाहर से टीमें बुलाई गई हैं, और अभी वर्तमान में 26 टीमें हमारी एनडीआरएफ की तैनात हैं। कुछ टीमें बाहर से भेजी गई हैं बाई रोड, और हमारी 12 टीमें एयरलिफ्ट भी की गई हैं। बिल्कुल, अभी तक कम से कम 5,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और रिलीफ ऑपरेशंस बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। खासकर मटेरियल, खाने की सामग्री लोगों को तक पहुंचाई जा रही है। कल से जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, क्योंकि जो तकरीबन 6 बैरेजेज हैं कृष्णा रिवर पर, खासतौर पर कृष्णा रिवर में जो पानी का उफान आया है, उसके वजह से ये एक प्रॉब्लम, खासकर वडोदरा सिटी में, जो आप विजयवाड़ा सिटी में आप देखेंगे कि जो पानी का जो है एक जल सैलाब आया है, वो कृष्णा नदी में पानी के स्तर के बढ़ने से हुआ है। और ये इसी हुआ कि जो तकरीबन 6 बैरेजेज हैं उससे पानी की संख्या काफ़ी जो है वाटर है। कल से अभी इसमें कमी आई है, बारिश भी अभी रुकी हुई है, तो आज स्थिति इम्प्रूव्ड है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।